नमस्कार दोस्तों, ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जाने वाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, यह सियासी रूप पूरा ले चुका है और अब राम के नाम पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल मामला क्या है, पहले आपको वो बता देते हैं अगर आपको खबर नहीं पता हो तो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, जिस मौके पर कोलकाता में बाकायदा विक्टोरिया मेमोरियल में एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और वहां पर ममता बनर्जी भी आई थी और कई सारे मंत्री भी मौजूद थे। उसमें ममता बनर्जी को बोलना था, ममता बनर्जी को जब संबोधन देना था तो जैसे ही वो मंच पर आई और उन्होंने जैसे ही माइक पकड़ा बोलना की शुरुआत की, बस उसी के पहले जो है वहां पर जय श्री राम के नारे लगा दिए गए। अब इससे वो इतना नाराज हो गई कि तुरंत उन्होंने मंच से कह दिया कि ये एक सरकारी प्रोग्राम है, ना कि किसी पार्टी का प्रोग्राम है। इस तरीके के नारे लगाए जाना ये शोभा नहीं देता है। मैं प्रधानमंत्री की साथ ही साथ कल्चरल मिनिस्ट्री की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, लेकिन मैं इस तरीके से किसी को यहाँ पर बुलाकर ऐसे करना ये अपमान की श्रेणी में आता है और आपने मेरा अपमान किया है। मैं कोई भाषण यहाँ पर नहीं दूंगी। उसके बाद जय बांग्ला बोलकर वो निकल गई। अब इसके बाद ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लोग कह रहे हैं भाई ममता बनर्जी को श्रीराम के नारे से दिक्कत क्या है। वहीं इस पूरे मामले पर अब अपडेट आ रही है कि दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इस पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां, बड़ी चर्चित सांसद हैं, नुसरत जहां ने इस पर ट्वीट किया है और लिखा है कि राम का नाम गले लगाकर बोले ना कि गले दबाकर, यानी राम का नाम गले लगाकर बोले ना कि गला दबाकर। किसका गला दबा दिया मुझे समझ में नहीं आया। खैर आगे लिखा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह में राजनीतिक और धार्मिक नारेबाजी की कड़ी निंदा करती हूं। यह सरकारी कार्यक्रम था। उन्होंने एक और अन्य ट्वीट किया, उसमें लिखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे नेता थे जिन्होंने बंगाल को उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना सिखाया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान हर भारतीय के मन में रहेगा। देश नायक दिवस पर बंगाल महान नेताजी को नमन करता है। तो नुसरत जहां ने एक तरीके से कहा है कि राम का नाम आप गले लगा कर लीजिए ना कि गला दबाकर। अब मुझे यह समझ में नहीं आया कि गला दब किसका रहा है और राम के नाम से किसी का गला दब कैसे सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। दिक्कत क्या हो रही है? अगर ठीक है सरकारी कार्यक्रम भी था, भगवान का ही तो नाम है, ले लिया तो दिक्कत क्या हो गया? भगवान नाम तो सबके हैं ना, आप लोग खुद कहते हैं, टीएमसी के नेता तो खुद कहते हैं ना कि भगवान नाम तो सबके हैं, तो फिर दिक्कत क्यों आ गई? यही समस्या है। लोगों को लगता है यही पार्टियां इस तरीके के बयान देकर, इसी तरीके के बयान देकर एक परसेप्शन बना देती हैं कि भगवान राम सिर्फ एक पार्टी के हैं। अब ये बयान नहीं देते टीएमसी के नेता या फिर ममता बनर्जी इतना खफा नहीं होती तो मामला तूल नहीं पकड़ता। ममता बनर्जी को तो बड़ा दिल दिखाते हुए खुद भी बोल देना चाहिए था जय श्री राम, फिर वे बोल देती कि आप लोग बैठ जाइए मुझे अपना भाषण देने दीजिए, लेकिन मामले को जबरदस्ती बढ़ा दिया, जो बीजेपी नहीं चाहते हुए भी उसको फायदा मिलेगा इस चीज का कि आपने एक पार्टी से जोड़ दिया भगवान राम को और यह कह दिया कि यह पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। क्यों भाई, भगवान राम का नाम सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्राम में ही लिया जा सकता है, किसी कल्चरल प्रोग्राम में नहीं लिया जा सकता, किसी सरकारी प्रोग्राम में नहीं लिया जा सकता और वहां पर लोगों ने लगाए हैं ना नारे, तो अगर नारे लगाए हैं तो उसमें दिक्कत कहां आ रही है? और नुसरत जहां ने जो ये बयान दिया है इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा। क्या आपको समझ में आया कि ये गला दबाकर भगवान राम का नाम ना लीजिए, इसका क्या मतलब है? बताइएगा समझ में आया हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।